क्या देख रहे थे इसमें हम लोग, क्या करेंगे, 1 + dy/dx का स्क्वायर है का पावर 3/2 है, तो ये फ्रैक्शन पावर है ना, तो क्या करेंगे इस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। कहने का मतलब ये हो गया 3/2 इंटू स्क्वायर, कहने का मतलब ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया d2y/dx स्क्वायर का पावर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कितना बन गया, 1 + dy/dx का स्क्वायर, अब ये पावर हो गया इसका, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 = d2y/dx स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम ऑर्डर कौन हुआ, मैक्सिमम ऑर्डर तो बताइए, यहाँ देखिए dy/dx है तो 1 ऑर्डर हुआ फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वही ना जो मैक्सिमम ऑर्डर हो, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। और फिर क्या देखेंगे, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्डर का ही पावर देखते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 यही है, तो इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है ये 2 है ना, तो यहाँ डिग्री क्या हो गया, डिग्री भी इसका 2 हो गया। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन दिखा देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि और क्वेश्चन है, जैसे कि बताइए बताइए, सिंपल क्वेश्चन है d2y/dx स्क्वायर माइनस 2dy/dx प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ऑर्डर कितना है, तो देखिए मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, इधर ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 2 है ना, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर 2, देखो ना d2y है तो ऑर्डर 2 हो गया, यहाँ 2 × dy ऑर्डर 1, यहाँ पे तो प्लस y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर सबसे ज़्यादा कौन ऑर्डर है, इधर ऑर्डर 1 या ऑर्डर 2, तो ये मैक्सिमम ऑर्डर यही ना हुआ, तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को ही तो ऑर्डर बोलते हैं, तो ये ऑर्डर कितना हो गया, ये हो गया ऑर्डर 2। अब डिग्री क्या होता है, तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसके पावर को चेक करते, तो इसका पावर कितना है बाबू, नहीं कुछ है तो 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। क्लियर, अब देखिए, अब हम आप लोग को बोल रहे हैं कि बताइए d3/dx³ का पावर 2 + dy/dx का पावर 4 माइनस x इंटू d2/dx स्क्वायर का पावर 2 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा ऑर्डर, तो इसमें सर ये ऑर्डर 3 है, ये ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, तो मैक्सिमम ऑर्डर यही ना हुआ, तो इसी का तो देखेंगे, तो ऑर्डर कितना हो गया, तो ऑर्डर हो गया इसका 3, तो डिग्री कितना होगा बोलिए, तो डिग्री क्या होगा, देखो यहाँ पे तो डिग्री 4 इसका पावर है, लेकिन ऑर्डर क्या है नहीं है, तो हम ये सब का पावर नहीं देखेंगे, ये सब का पावर कितना भी रहे कोई मतलब नहीं है हमको, हमको मतलब किससे है, तो जिसका ऑर्डर होगा उसी के पावर से मतलब है, तो मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पे कितना, इधर 2 इधर 1 ये 3, तो मैक्सिमम ऑर्डर यही ना है, तो ऑर्डर हो गया 3, लेकिन डिग्री क्या होता है उसके पावर, तो अब देख लेते हैं यहाँ कोई डिफरेंशिएशन ऐसा तो नहीं है, या डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका पावर क्या है फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर कोई भी वैसा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है या डिफरेंशिएशन नहीं है जिसका पावर क्या चीज़ में है फ्रैक्शन में, यहाँ देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 4, तो ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है जिसका पावर फ्रैक्शन में, तो हम लोग बता सकते हैं देख करके कि क्या ऑर्डर होगा और क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो ऑर्डर क्या हो गया 3, इसका डिग्री क्या होगा, तो इसी का पावर देख लेते हैं, इसका पावर अगर हम देख रहे हैं तो कितना हो गया है 2, यही हो गया ऑर्डर 3 डिग्री 2। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए डिटरमाइन द ऑर्डर एंड फाइंड ऑर्डर
एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ है डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका पावर वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का। इसका तो शायद ये क्वेश्चन बता दिया, मैं ये क्वेश्चन बता दिया, ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, सबसे पहला ये बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको ये बता सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी क्यू बाई बाई डी एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बताना है, यहाँ पे बताइए बताइए ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ चलो डी टू बाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन है लेकिन इसका पावर वन है चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स उसका पावर क्या है अंडर रूट में, कहने का मतलब पावर एक बटे दो, एक बटे दो क्या हो गया फ्रैक्शन हुआ ना, तो ये तो डायरेक्टली ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हम लोग बता सकते हैं ऑर्डर और डिग्री, तो इसको क्या करना पड़ेगा पहले हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज होगा, तो ये रूट है कैसे हटेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लिए, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट गया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग एक्स टू द पावर फोर इंटू डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना टू वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ऑर्डर और डिग्री, बताइए ऑर्डर कितना हो गया इसका, बताइए कितना हो गया ऑर्डर, तो मैक्सिमम ऑर्डर देखते हैं इसका तो ऑर्डर टू ही टू है, इसका ऑर्डर वन है, तो मैक्सिमम ऑर्डर यही ना हो गया, तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना टू, चूंकि यहाँ पर देखिए कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है या डिफरेंशिएशन नहीं है जिसका पावर क्या हो फ्रैक्शन में हो, देखिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको तो हमने चेक कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमको चेक करना, ये देखिए डिफरेंशिएशन है इसका पावर हम लोग चेक करते हैं टू है, इसका भी पावर टू है, मतलब फ्रैक्शन नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं ऑर्डर और डिग्री। तो डिग्री कितना हो गया, अब तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, मैक्सिमम ऑर्डर टू हो गया, तो इसका पावर कितना टू, तो डिग्री भी क्या हो गया टू, यही है। अब इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट बता सकते हैं जी, इस क्वेश्चन में देखिए साइन एक्स है डी वाई बाई डी एक्स है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम ऑर्डर तो यही है, तो मैक्सिमम ऑर्डर यही है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर हो गया तीन, ऑर्डर कितना हो गया थ्री। अब डिग्री क्या होगा उसी का पावर चेक करते हैं, उसका पावर कितना है जी डी थ्री बाई बाई डी एक्स क्यू का पावर कितना है, तो पावर वन है नहीं कुछ है तो वन, तो डिग्री वन हो गया, यही है सिंपल, ठीक है यही सब है सिंपल और कुछ नहीं है। अच्छा इसका डिग्री अनडिफाइन होगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ऑर्डर थ्री डिग्री अनडिफाइन होगा क्योंकि एज द रिलेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई एक्स, इसको पॉलिनोमियल के टर्म में नहीं हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा, इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा अनडिफाइन होगा। क्या हम लोग पॉलिनोमियल जैसा हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इक्वेशन को, नहीं ना, तो इसका डिग्री अनडिफाइंड होगा और ऑर्डर होगा तीन, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ ऑर्डर और डिग्री का ही, ठीक है। जैसे कि देखिए सिक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है।
अब बताए ये वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स अच्छा लग रहा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई पहले करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये जो नीचे डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे नहीं बता सकते हैं हम लोग, ठीक है ऐसे हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसका ऑर्डर वन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के इसमें बढ़ सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग बढ़िया से पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड, बाई डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड हम लोग क्या किए डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ क्या हो गया 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पहले से है, एक डी वाई बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया पावर 3 बराबर 20x इंटू क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1। अब हम लोग यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, मतलब इसको हम लोग अब सही से लिख सकते हैं, इसको हम लोग अब सही से लिख सकते हैं 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू माइनस 20x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। अब यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं, ऑर्डर कितना हो गया तो ऑर्डर 1, मैक्सिमम ऑर्डर तो यही ना है, यहाँ पर भी देखिए 1 ही है पावर, यहाँ पर भी 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। डिग्री तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसके पावर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर 1, इसका पावर कितना है 3, तो मैक्सिमम पावर यही ना हो गया तो 3 ही होगा, तो ऑर्डर डिग्री कितना हो गया 3, ठीक है ऑर्डर 1 और डिग्री 3 हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पढ़ते हैं हम लोग अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं ए रिलेशन, तो लेट अस कंसीडर ए रिलेशन ऑफ बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, या तो हम उसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब अगर कोई बाई इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस 2 है तो इसको हम लोग बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स बाई, तो वही लिखे फंक्शन ऑफ एक्स बाई इक्वल टू 0। इन जनरल टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको मेन टारगेट क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन जनरल टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन वी डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो जो आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी वैसा इक्वेशन जो आपको दिया हुआ रहेगा उस इक्वेशन में आप लोग चेक करेंगे कि कितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किस लिए, ये इसलिए कि उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हम हटाएं, कि वो क्या हो जाए हट जाए, तो उससे क्या हो जाता है उतना टाइम्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करने से ये होता है कि देन एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो बचते हैं और जो बचते हैं इक्वेशंस वही इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, वही इक्वेशन क्या हो जाता है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए लिखे हैं टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशंस ऑब्टेंड, जो आपको चाहिए जो मिलता है आपको दैट इज एन इक्वेशन इंडिपेंडेंट। अब वो एलिमिनेट करने के बाद वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करने के बाद क्या बचता है एन इक्वेशन इंडिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है किससे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, तो उसी आर्बिट्रेरी वही जो इक्वेशन बचता है कांस्टेंट को इलिमिनेट करने के बाद वही इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि हम एक एग्जांपल लिए हैं आपको, लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये कंसीडर किए हैं उसको दोनों साइड डिफरेंशिएट किए तो हो गया dy बाई dx a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स, फिर से डिफरेंशिएट किए क्योंकि यहाँ पर देखिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एक a और एक b, तो दो बार हमको दो टाइम्स हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो टाइम डिफरेंशिएट किए तो माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, माइनस कॉमन लिए तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर बाई होता है तो वही बाई पुट किए तो माइनस बाई, तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू 0, यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। समझ रहे हैं, यही दो बार डिफरेंशिएट किए तभी यहाँ पे हमको ए और बी दोनों क्या हुआ
डिफ्रेंशिएट हुआ, ये ए और बी क्या हुआ, हटा मतलब रिमूव हुआ, एलिमिनेट।